Assalamu alaikum students. Our today's topic is the new chapter of our bioscience, that is control and coordination. So dear students, you all know that before discussing the topics of our chapter, before discussing the actual topic, we first try to understand the heading of our topic. We first try to understand the name given to our chapter. Here the name of our chapter is control and coordination. So first we will try to understand what does this control and coordination mean. The term control and the term coordination. Dear students, you know that control means किसी चीज को control करना, किसी चीज पे control होना, bind होना. And coordination means तालमेल होना एक दूसरे के साथ, लिंक, इंटरलिंक्ड जो चीजें होती हैं, हम बोलते हैं कोई सिस्टम होता है वो इंटरलिंक्ड होता है, उसकी फंक्शनिंग में लिंकेज होती है, तो हम कहते हैं कि देयर इज द कोऑर्डिनेशन इन दिस इन द पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम. सो यहाँ पे हमें देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग organism, that means obviously we have to study control and coordination in both plants and animals. First of all, we will try to understand what this control and coordination is, how this takes place. Control and coordination, you all people know that in a living organism, the life processes, the functioning, the activities of an organism, they occur in a controllable manner. They are not haphazard, they occur in a controllable manner. Agar hum human beings ki baat kare, hamari body mein ek proper control hota hai. For example, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, या हम अपने हमारा जो हैंड है, अगर इट अप्रोच ए हॉट ऑब्जेक्ट, हम जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में कोई मैकेनिज्म है जिसने हमें ये बताया कि इस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है, या यू हैव टू रिमूव योर हैंड इमिजिएटली. किसी ने हमें बताया और हमारा जो हैंड है इसने फॉलो किया उस इंस्ट्रक्शन को, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज देयर. अगर किसी ने ये सिग्नल भेजी कि अपना हाथ हटाओ, तो कोऑर्डिनेशन ये है कि हमने जल्दी से अपना हाथ हटाया. इसके बरक्स अगर हम अपना हमारा जो हैंड है अगर ये रिफ्यूज करता है इस मैसेज को कि नहीं मुझे नहीं हटाना है, तो सब जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा. दैट मीन्स coordination is must. We have to obey the instructions. We have to obey the, that means all living organisms obey some instructions. All living organisms survive, live a life, but in a controllable fashion. Same is the case with animals. Animals, plants. Plants may be aise hi hota hai. Plants may be a controllable fashion mein hoti hai activities. Lekin डिफरेंस है प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो हम आगे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि जो ये सिग्नल्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दे कम इन टू वेज, टू मैकेनिज्म्स के जरिए से. वन इज हार्मोनल मैसेज, हार्मोनल मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं केमिकल मैसेज. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल मैसेज, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आती हैं वाय हार्मोन्स. हार्मोन इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कहाँ पे क्या होना है, कहीं पे इलेक्ट्रिकल मैसेज आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आती है, वो बताती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि आपको कहाँ पे कैसे एक्ट करना है. बट द थिंग इम्पॉर्टेंट हियर इज दैट दिस हार्मोनल कंट्रोल इज बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, बट सो फार एज दिस इलेक्ट्रिकल मैसेज इज कंसर्न, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इज कंसर्न, इट टेक्स प्लेस ओनली इन एनिमल्स. एनिमल्स में ही इलेक्ट्रिकल मैसेज के जरिए से एक सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है. अब हमें देखना यह है कि एक खास चीज है, दैट इज डिफरेंस क्या है हार्मोनल मैसेज में, इससे क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल मैसेज में जो सिस्टम है ये कैसे होता है. एक खास डिफरेंस है कि जो हार्मोनल इंस्ट्रक्शन होती है, ये जो मैसेज आती है, देयर स्पीड इज स्लो. हार्मोन्स को सिक्रीट होना है, कहीं पे पहुंचना है, वहां पे एक्ट करना है, ये इसकी स्पीड जो है स्लो है, इट्स अ स्लो प्रोसेस. बट सो फार एज दिस इलेक्ट्रिकल, इससे नाम से ही हमें पता चलता है इलेक्ट्रिकल, ये
फास्ट होती है, जो इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल मैसेजेस जो आती हैं वो बहुत फास्ट होती है, उनका रिफ्लेक्स भी जल्दी जल्दी से हो जाता है। जो हम यहाँ से फिर फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई स्टिमुलस है, कहीं पे कोई चेंज है, उसको यहाँ से हमें रिएक्ट करना है। अगर इलेक्ट्रिकल मैसेज के जरिए से हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है तो हम जो है यहाँ से रिएक्ट एट वेरी फास्ट स्पीड करते हैं। लेकिन हार्मोनल कंट्रोल जो होता है इसमें स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। अब हमें देखना ये है कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस के जरिए से कंट्रोल होती हैं, और प्लांट्स में कुछ चीज़ें हैं जो हार्मोन्स के जरिए से कंट्रोल होती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर एनिमल्स में इलेक्ट्रिकल मैसेजेस कंट्रोल करती हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए से मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है, देन व्हाट इज देयर द नीड ऑफ हार्मोनल कंट्रोल? यहाँ पे दोनों क्यों हैं? इट इज व्हाई, बिकॉज in case of plants there are some functions like some properties of plants are quite different from animals. Just agar hum growth ki baat kare, growth ki agar hum example le, growth jo hoti hai plants mein ग्रोथ का कोई कंट्रोल नहीं होता है। प्लांट्स इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं, प्लांट्स में कोई खास फैशन नहीं होता है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर का। दे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीव्स देखें, ब्रांचेस देखें, एक इरेग्युलर फैशन में होती है, कोई खास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है, कोई खास इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। बट अगर हम एक प्लांट को, एक एनिमल को देखेंगे तो इसकी जो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, इसकी जो ग्रोथ होती है उसका एक प्रॉपर कंट्रोल होता है। एक ह्यूमन बींग के पास फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑर्गन है, देयर आर टू आईज, अगर हमारी दो आंखें हैं, एक और दूसरी आंख में कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर एक इंसान आँख आस क्रीन ब्याख आस नीज तो ये कूता ऑकवर्ड बस, ये बहुत ही अजीब सा लगेगा। दैट मीन्स, या हम देखेंगे यम सोन हैंड्स छ आसान, बोथ हैंड्स शुड बी इन परफेक्ट फैशन, उन गसन दूसरे हेवी आसन, उन गसन अलग अलग आसन कहीं, या हमारी फिंगर्स हैं, देयर आर फाइव फिंगर्स इन ईच हैंड, उन गसन 10-15 आसन कहीं। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है एनिमल्स की, ये डेवलप्ड फैशन एनिमल्सन मज आसान, यूज की ज्यादा प्रॉपर फैशनस मज गस आसान। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्सन मज ब्रांच स्ट्रक्चर हेफजर्ड आसान, लीव्स तम हेकन वारिया नंबरस मज ऐसा। इसलिए जो एनिमल्स में ये ग्रोथ है, इस ग्रोथ को इलेक्ट्रिकल मैसेजेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हार्मोन्स का होना नेसेसरी है। लेकिन प्लांट्स में जो कि हार्मोन्स, इसमें से इस इलेक्ट्रिकल मैसेज की जरूरत नहीं, प्लांट्स दे डोंट हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डोंट नीड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, वहाँ पे इतना ज़्यादा कंट्रोलेबल फैशन की ज़रूरत नहीं होती है जितना कि एनिमल्स में होता है। अब हम अलग से देखेंगे कि जो प्लांट्स में है इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए से कैसे होता है। देयर आर सो मेनी हार्मोन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स शो डिफरेंट मोमेंट्स ऑल्सो, इनशाला दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।